गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल भीम्स एंड ट्विंकल आराम ट्विंकल। सो गाइज़ आज की इस वीडियो में मैं आपका लेकर चलने वाली हूँ बहुत ही यम्मी यम्मी डिशेस खिलाने के लिए। कहाँ पे? द टमी सेक्शन पे। टमी सेक्शन बहुत सारे आउटलेट्स हैं, पूरा ऑल ओवर ये दिल्ली फैला हुआ है। आउट ऑफ दिल्ली का मुझे आइडिया नहीं है एंड बहुत सारे आउटलेट्स हैं। यू माइट बी नोइंग और आपने माइट बी वहाँ से खाया भी होगा। सो आज मैं आपको टमी सेक्शन पे लेकर जाने वाली हूँ। उधर का पूरा किचन एक्सेस भी दिखाने वाली हूँ कि वो हर डिश कैसे बनाते हैं, उधर के वर्कर्स कैसे हैं, कैसे कैसे डिशेस बनाई जाती है, हाइजीन है या नहीं है, हमें वहाँ से खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, और टेस्ट कैसा, अगर आपने अभी तक टेस्ट नहीं करा है तो कौन कौन से डिशेस है, कैसा मेन्यू है, प्राइस लिस्ट क्या है, वर्थ है नहीं है। सो एवरीथिंग इज़ गोना कवर। और टमी सेक्शन में जाने वाली हूँ आज पंजाबी बाग वाले में। पंजाबी बाग क्लब रोड पे है ये। आपने अगर मैकडोनल्ड्स देखा होगा पंजाबी बाग का, सो जस्ट उसके बैक साइड पे ही टमी सेक्शन ओपन हुआ है, वहाँ पर मैं जाने वाली हूँ। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स गो। सो गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं द टमी सेक्शन शवारियो एक्सप्रेस पे, जो कि है पंजाबी बाग में, मैकडोनल्ड्स के एकदम बैक साइड पे हैं हम। और आप देख सकते हो यहाँ पर डाइन इन, टेक अवे, और आप घर पे भी होम डिलीवरी करवा सकते हो। सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर नहीं है। सो मैंने यहाँ से बहुत सारी डिशेस ट्राई करी है, मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी कि क्या उनसे डिश कैसी बनी है, उसका टेस्ट कैसा है, प्राइस कैसा है, वर्थ है या नहीं है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर मेन्यू की। सो मेन्यू एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी कुछ है यहाँ पर। शॉर्मा है, रैप्स है, टॉर्टलाज है, कॉस्डलाज है, सैंडविचेस, पिज़्ज़ा, गार्लिक ब्रेड्स, लॉलीपॉप्स, बॉल्स, राइस बॉल, मोमो, सैलड, बेवरेज एंड मेनी मोर। जो सबकी हमने मैंने स्टार्टिंग देखी कि 100 to 150 तक की आपको स्टार्टिंग सबकी मिलेगी। सो अब चलते हैं यहाँ पर हम किचन में। जैसे ही मैं किचन में गई, मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत ही क्लीन और साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट है, बहुत ही हाइजीन यहाँ पर रखा हुआ है। ग्लव्स, हेयर मास्क, सब कुछ इन्होंने पहले से ही पहना हुआ है, और किचन भी काफ़ी साफ़ है। हर एक पर्सन किसी ना किसी चीज़ के लिए स्पेशलिस्ट है, कोई शॉर्मा के लिए, कोई रैप के लिए, कोई बेवरेज के लिए, कोई ओवन मास्टर यानी कि गार्लिक ब्रेड और पिज़्ज़ाज के लिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ट्राई किया चिकन शॉर्मा। यहाँ पर पनीर शॉर्मा, चिकन शॉर्मा, कबाब शॉर्मा, ऐसे बहुत सारे टाइप्स ऑफ शॉर्मा थे, 3-4 टाइप के शॉर्मा थे, जिसमें से हमने चिकन शॉर्मा ट्राई किया था, प्लेन वाला विदाउट कुरकुरे एंड एनीथिंग। कुरकुरे शॉर्मा या क्रंची वाला हमने ट्राई नहीं किया था, बिकॉज जो सिंपल टेस्ट आता है वो उसी से पता चलता है कि कितना आप ये फ्लेवरफुल है या नहीं है। सो मुझे यहाँ पर शॉर्मा जो लगा बहुत ही पतला था और क्वांटिटी काफ़ी कम थी एज़ पर द प्राइस, और जो शॉर्मा एक्सप्रेस अगर फेमस है तो उसके लिए शॉर्मा आई थिंक अच्छा होना चाहिए था। देन नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ट्राई करी लॉलीपॉप्स। लॉलीपॉप्स दो टाइप्स की अवेलेबल थी, क्रीम वाली और एक नॉर्मल वाली। सो मैंने क्रीम वाली ट्राई करी बिकॉज ये दिखने में बहुत ही टेम्पटिंग सी लग रही थी। सो इसमें क्रीम इन्होंने मुझे पहले से बताया कि हम प्रिपेयर करके रखते हैं सब कुछ, मॉर्निंग में वो सब कुछ फ्रेश बना लेते हैं। जैसे लॉलीपॉप्स देख रहे हो आप, इन्होंने सिर्फ यहाँ पर उसको एक बार हल्का सा फ्राई करा था, सो दैट वो गर्म हो जाए, बाकी सब कुछ मैरिनेशन और एक बार फ्राई वो सब कुछ पहले से करके रखते हैं। क्रीम भी इन्होंने पहले से प्रिपेयर करके रखी थी, बस इसमें चाट मसाला डाला और उसको अच्छे से मिक्सअप कर दिया। देन ये फ्राइड लॉलीपॉप को उसने क्रीम के अंदर पूरा अच्छे से लोडेड कर दिया था, ऊपर से टॉपिंग करी इन्होंने यहाँ पर अनियंस की और ग्रीन चटनी की, एंड क्रीमी लॉलीपॉप इज़ रेडी। देन नेक्स्ट मैंने ट्राई किया था यहाँ पर चिकन, दैट इज़ चिली चिकन, जो कि मुझे देखा कि चिली चिकन के जो चिकन के पीसेज इन्होंने यूज़ करे हैं वो भी पहले से इन्होंने कुक्ड करे थे, कुक्ड थे, प्रिपेयर्ड थे अच्छे से, बस यहाँ पर हल्का सा फ्राई करा था, एंड चिकन के पीसेस काफ़ी बड़े और अच्छे साइज़ के थे। यहाँ पर मुझे चिकन की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी लगी और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा लगा, सो इट्स डेफिनेटली वर्थ अ ट्राई थिंग। देन इन्होंने सब सारी वेजिटेबल्स चॉप करके रखी थी, बस यहाँ पर अब अच्छे से मेज़र करके वो डाल रहे थे, प्रॉपर क्वांटिटी में यूज़ करते हैं कि कैप्सिकम कितना होना चाहिए, अनियन कितना होना चाहिए, तो उन्होंने वो मेज़र करके डाला। देन पैन में इन्होंने लिया थोड़ा सा ऑयल, उसमें डाला गार्लिक और उसको अच्छे से अब वो फ्राई कर रहे हैं, सॉटे कर रहे हैं। देन उसके अंदर उन्होंने वेजिटेबल्स डाली जो उन्होंने मेज़र करी थी और उसको भी अच्छे से सॉटे कर लिया। इसमें डाला थोड़ा सा पानी, सो दैट ये फायर, देख रहे हो आप किस तरह से आग निकल रही है, वो फायर के लिए इन्होंने यहाँ पर हल्का सा पानी यूज़ करा था। देन जब वेजिटेबल्स अच्छे से सॉटे हो गई तो इसमें इन्होंने यहाँ पर डाली थी चिली सॉस, मतलब गार्लिक सॉस, चिली सॉस डाली थी यहाँ पर इतनी सारी।
देन उसको भी अच्छे से सॉटे कर लिया था गैस बंद करके, बिकॉज यहाँ पर पैन बहुत ही हीट अप हो चुका था। देन इट मीन वाइल चिकन भी फ्राई हो चुके थे, देन चिकन को इसमें पैन में डाला, फिर से फ्लेम ऑन किया था और अब चिकन को सब वेजिटेबल्स और सॉसेस के साथ अच्छे से मिक्सअप कर रहे हैं, थोड़ा सा पानी डाल के, सो दैट वो भी अच्छे से फ्लेवरफुल हो जाए, सारे फ्लेवर सॉसेस को वो कंज्यूम कर ले। उसके अंदर थोड़े से ऊपर से स्प्रिंग अनियंस और उसको अच्छे से सॉटे कर लिया सो दैट वो अच्छे से मिक्सअप हो जाए। जब वो पूरे अच्छे से मिक्सडअप हो गए, रेडी हो गए, तो उन्होंने बॉल में डाल दिया एंड क्वांटिटी काफ़ी अच्छी थी और चिल्ली चिकन के पीसेस काफ़ी अच्छे थे। मैंने चिल्ली चिकन बाकी जगह पे देखा है कि चिकन के पीसेस बहुत छोटे होते हैं और वेजिटेबल्स भरी होती है, और यहाँ पर चिकन के पीसेस भी काफ़ी बड़े थे और काफ़ी अच्छे थे, जो कि अच्छा लग रहा था मुझे टेस्ट में। देन मैंने नेक्स्ट यहाँ पर ट्राई किया था रैप्स, कॉसडेला रैप्स और पॉकेट्स, इजी टू गो पॉकेट्स, ऐसा सब कुछ था जिसमें से मैंने रैप ट्राई किया था। दिस इज़ ग्रिल्ड चिकन रैप, जिसमें यह चिकन का पीस जो है पहले से रेडी है। लॉलीपॉप, चिल्ली चिकन, ग्रिल चिकन, जितने भी यहाँ पर चीज़ें ही यूज़ हो रही हैं ये पहले से ही प्रिपेयर्ड है, बस यहाँ पर पोर्शंस और कटिंग्स उस तरह से करी हुई है सो दैट वो अलग अलग आइटम्स पर फिक्स्ड हो जाए। जैसे लॉलीपॉप्स की अलग शेप थी, चिल्ली चिकन के पीसेज उन्होंने ओवल में रखे थे एंड रैप्स के पीसेस थोड़े से बड़े रखे थे। देन यहाँ पर ये ब्रेड, उसके ऊपर इन्होंने डाली है लॉट्स ऑफ तंदूरी मेयोनेज़, सॉसेस इनके पास बहुत सारी थी, अगर आप कोई भी आइटम चूज़ कर रहे हो सो उसके अकॉर्डिंग ये सॉसेस डाल रहे हैं। वेजिटेबल्स भी यहाँ पर पहले से चॉप पड़ी हुई है, रेडी पड़ी हुई है इनके पास, दैट मीन्स इनकी सर्विस बहुत फास्ट है। अगर आप यहाँ पर ऑर्डर करते हो तो आपको 2 या 3 मिनट के अंदर आपका ऑर्डर रेडी हो जाएगा, बिकॉज एवरीथिंग इज प्री प्रिपेयर्ड, बस यहाँ पर अरेंजमेंट्स करी जाती है और थोड़ा सा हीटअप करा जाता है। रैप्स में तंदूरी मेयोनेज़ के पास लेट्यूस, अनियंस, टमाटोज एंड जेपलेनोज यहाँ पर अरेंज करे थे। देन ग्रिल चिकन, इसको अच्छे से ऐसे स्लाइस में कट कर लिया था और उसकी भी अब अरेंजमेंट ऐसे प्लेस करे थे। 2 पीस ग्रिल चिकन इन्होंने यूज़ करे थे इस पूरे रैप में, उसको प्रॉपर अरेंज करके अब यहाँ पर वो उसको रैप कर देंगे। सो दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऊपर से इसमें और डाली है बहुत सारी मेयोनेज़, दिस इज़ क्रीमी मेयोनेज़ जो बहुत सारी लोड कर रही है और बहुत ही क्रीमी और डिलीशियस रैप बन गया था। इस वजह से रैप की क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी थी, पोर्शन अच्छा था और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा लगा था मुझे। मैं आपको अभी आगे वीडियो में दिखाऊंगी हर एक डिश का टेस्ट। देन रैप करने के लिए इनका इन्होंने इसको अच्छे से टाइटली रैप किया था सो दैट वो रैप ओपन अप ना हो, खुले ना, कट करने के बाद भी। देन अच्छे से उसको टाइटली रैप करने के बाद बीच में से उसको कट मार दिया था थोड़ा सा टेढ़े में। देन यहाँ पर मैंने रैप्स ट्राई करने के बाद ट्राई किया था यहाँ पर लेमनेड। लेमनेड की मेकिंग में इन्होंने क्या यूज़ करा था, 10 रुपये की अरोड़ा लेमन, इतने बड़े ग्लास में उन्होंने पहले अरोड़ा लेमन डाली, ये चाट मसाला डाला था, ये चाट मसाला इन्होंने पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ था और इसके अंदर बहुत सारी इन्होंने डाली थी आइस क्यूब्स, बिकॉज बेवरेज जितने ठंडे होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, टेस्ट मज़ा आएगा। सो बहुत सारी आइस क्यूब्स इन्होंने पूरा ग्लास भर दिया था, देन ये छोटे ग्लास से इसको कवर करके उसको अच्छे से शेक अप कर दिया था, अच्छे से शेक एंड अच्छे से मिक्स। तो ये बेवरेज के स्पेशलिस्ट है आप, जितने भी आइस टी या फिर ये लेमनेड्स लोगे यही प्रिपेयर करें। देन बची हुई अरोड़ा लेमन भी इन्होंने इसमें पूरी डाल दी। देन ये इनके पास कांच का जार था जिसके अंदर इन्होंने पूरा ये प्रिपेयर्ड लेमनेड डाल दी, ने उसको कवर करके और लेमनेड इज़ रेडी, जो मुझे लगता है हम घर पे इजीली बना सकते हैं 10 रुपये में। टेस्ट वाज नॉर्मल, आप घर पे ट्राई कर सकते हो उसका टेस्ट भी। तो अब मैं आपको हर एक डिश का टेस्ट करके बताती हूँ कि हर एक डिश में कैसे फ्लेवर्स थे, कैसे कैसा टेस्ट था। सो स्टार्टिंग करते हैं हम चिली चिकन से, जो मुझे बहुत ही टेस्टी लगा था, चिकन के पीसेस भी काफ़ी बड़े थे और स्पाइसेस वाज ऑन पॉइंट, काफ़ी अच्छी थी, यू कैन ट्राई इट आउट। देन रैप्स, मुझे सेकंड नंबर पर रैप बहुत अच्छा लगा था, यहाँ का क्वांटिटी काफ़ी अच्छी थी और सॉसेस से फ्लेवर इन्हांस हो गए थे। देन शॉर्मा से आई वॉज लिटिल अपसेट, बिकॉज बहुत ही पतले और छोटे शॉर्माज थे, प्राइस की भी वर्थ नहीं था और ऊपर से शवारियो एक्सप्रेस शॉर्मा के नाम से इन्होंने अगर नाम रखा हुआ है सो इट शुड बी गुड,
देन चिकन लॉलीपॉप्स क्रीमी काफ़ी ज़्यादा था, अगर आपको क्रीमी नहीं पसंद इतना सो यू कैन अवॉइड, आप उसकी जगह नॉर्मल लॉलीपॉप्स भी ले सकते हो, बट अगर आपको क्रीमी क्रीमी काफ़ी पसंद है सो आपको ये डेफिनेटली पसंद आएगा। देन मुझे जो हाईली रिकमेंडेड डिश करूँगी वो है चिली चिकन लॉलीपॉप्स रैप्स, ये सब कुछ। बेवरेज आप घर पर ट्राई कर सकते हो, लेमनेड बना सकते हो, और शॉर्मा मुझे इतना अच्छा खास नहीं लगा था। सो और भी बहुत कुछ है, वेज ऑप्शंस में भी बहुत कुछ है, मैंने बहुत टाइम से नॉन वेज की वीडियो नहीं डाली थी इसलिए मैंने यहाँ पर सारी नॉन वेज आइटम्स लेके आपके लिए नॉन वेज वीडियो डाली थी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपकी सारी क्वेरीज क्लियर होगी होंगी, प्राइस लिस्ट भी आपको अच्छे से मैंने मेन्यू पूरा दे दिया, आप उसमें एक्सप्लोर कर सकते हो, और चीज़ें ट्राई करने के लिए आप ऑर्डर कर सकते हो या फिर इनके आउटलेट पर विज़िट कर सकते हो, और डेली बहुत सारे आउटलेट इनके अवेलेबल हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको ये वीडियो, वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, कोई भी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, आप इजीली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, किसी भी डिश का रेट, टेस्ट, किस तरह से कुक हुआ, क्या क्या मटेरियल्स डाला। सो मिलते हैं आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, कीप लविंग, कीप शेयरिंग, ग्लिम्स ऑफ ट्विंकल।